हाय गाइस, मैं हूं परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरी वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नया नया अपडेट लाते रहूंगी। हम चर्चा करेंगे रामानंद नंदलाल भारती वर्सेस उत्तर प्रदेश के मामले के बारे में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी को बरी कर दिया। इस मामले का तथ्य यह है कि इसमें आरोपी ने अपने पत्नी और चार बच्चों की हत्या की थी और उसे उत्तर प्रदेश के सेशन कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में रामानंद ने बांका नामक धारदार हथियार से पांचों को मौत के घाट उतार दिया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार इस अपराध के पीछे का मकसद यह है कि आरोपी अर्थात अपीलकर्ता का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था, इसलिए आरोपी ने अपनी पत्नी सहित बच्चों को भी मौत के घाट उतार दिया और हत्या करने के बाद वह उस महिला से विवाह करना चाहता था, इसलिए आरोपी को ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद आरोपी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी, जहाँ से आरोपी के मौत की सजा को बरकरार रखा गया। उसके बाद अपीलकर्ता रामानंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने कहा था कि निम्नलिखित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे दोषी ठहराया गया था, जिसमें आरोपी अपीलकर्ता के कहने पर अपराध के हथियार और खून से सने कपड़ों की खोज की। दूसरा पॉइंट है, अभियोजन पक्ष के दो गवाहों के समक्ष आरोपी अपीलकर्ता ने न्यायालय में स्वीकार की थी। तीसरा पॉइंट है, आरोपी अपीलकर्ता का अपराध करने का मकसद मजबूत था। चौथा पॉइंट है, आरोपी अपीलकर्ता का गलत स्पष्टीकरण और उसका अप्राकृतिक आचरण। इन सभी रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की सराहना करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि निचली अदालत द्वारा आरोपी साक्ष्य के किसी भी टुकड़े को आरोपी के खिलाफ परिस्थिति जन्य साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। वास्तविकता या सच्चाई के अलावा आपराधिक कानून और न्याय प्रणाली के प्रशासन में मौलिक और बुनियादी अनुमान कथित आरोपी की बेगुनाही साबित करता। जब तक स्पष्ट ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य साबित नहीं हो जाता है, जब तक उस अपराध की जघन्य प्रकृति साबित नहीं हो जाता है, तब तक उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि यह अपराध जघन्य है और मानव विवेक को हिलाता है, लेकिन एक आरोपी को कानूनी साक्ष्य के आधार पर ही दोषी ठहराया जा सकता है। जैसे शंकर लाल ग्यारसी लाल के मामले में इस न्यायालय ने चेतावनी दी थी कि मानव स्वभाव भी चाहने वाला है क्रूर अपराधों का सामना करने पर मजबूत संदेह से कहानियों को घुमाने के लिए तैयार रहता है, और इस न्यायालय ने बार बार माना है कि सच हो सकता है और सच होना चाहिए, दोनों के बीच यात्रा करने के लिए लंबी दूरी है। इस मामले में अभियोजन पक्ष को ठोस और स्पष्ट सबूत कवर किया जाना चाहिए इससे पहले कि एक अभियुक्त को दोषी की निंदा की जाए। इसलिए ठोस और स्पष्ट सबूत न होने की स्थिति में आरोपी को मौत की सजा नहीं दी जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इस मामले में ये भी कहा कि आरोपी गरीब परिवार से है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसे लीगल एड की तरफ से सरकारी वकील दी गई थी। और इस मामले में ये भी कहा था कि उसे अपने बचाव के लिए अच्छे वकील की व्यवस्था की जाए जो अनुभवी हो, नाम मात्र की वकील ना दिया जाए जो नया नया प्रैक्टिस कर रहे हों और ऐसे मामले की पैरवी कर चुका हो, ऐसे वकील उसे दी जाए, इस प्रकार इस मामले में कहा गया था। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ठोस और उचित साक्ष्य न होने की स्थिति में आरोपी को बरी कर देता है। यह मामला CJI UU ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने आरोपी को बरी किया। इस प्रकार रामानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ UP के बारे में मैं आप लोगों को बता दी हूँ। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।